हाय एवरीवन, तो फिर से स्वागत है मेरा नई वीडियो में। और आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा एसईओ करने का सही तरीका बताऊंगा। अगर आप भी इस तरह से एसईओ करोगे तो आपका वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लिए तो आपको एसईओ करने का दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ सही एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज की सर्च कैसे करते हैं लोग। अगर आप इस तरह से एसईओ करोगे तो आपका वीडियो सर्च में आएगा। अगर कोई आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाते हो, अगर इस टॉपिक पर कोई सर्च करता है, इस कीवर्ड को कोई सर्च करता है यूट्यूब पर, तो आपका वीडियो सबसे पहले आएगा। तो आप ऐसे किस तरह से होता है, आप कैसे एसईओ कर सकते हो, इसका पूरा जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज मैं आपको परफेक्ट तरीका बताऊंगा कि एसईओ क्या होता है, एसईओ कैसे करते हैं। हम लोग वीडियो तो बहुत अच्छा बनाते हैं, थंबनेल भी अच्छा बनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एसईओ भी करना बहुत जरूरी है। अगर आप यूट्यूब पर, आपका चैनल है, आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो, अगर आप बिना एसईओ किए ही अपलोड कर दोगे तो आपको सारा गलती आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कहां गलती किया नहीं किया। लेकिन वहीं अगर आप भीड़ आयकों से अगर आप एसईओ करोगे तो आपको सारा चीज परफेक्ट नजर आ जाएगा। कौन सा गलत है, कौन सही है, वहां सारे चीज आपको नजर आएंगे और आप अपने से अच्छा एसईओ कर सकते हो। अच्छा कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग, पूरी चीजें आप बहुत अच्छे तरह से डाल सकते हो और अच्छे वीडियो को आप जो से ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो। तो चलिए आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि एसईओ आखिर होता क्या है, एसईओ करते हैं कैसे। बहुत आदमी को तो भीड़ आईक्यू के बारे में भी नहीं पता है, बहुत आदमी को पता भी है तो एसईओ करना नहीं जानते हैं कि एसईओ कैसे करें, किस तरह से करें, आखिर एसईओ का लेवल कितना होना चाहिए, एसईओ का स्कोर कितना तक होना चाहिए, मैक्सिमम स्कोर कहां तक होना चाहिए, किसी को अक्सर पता भी नहीं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करता हूं। ये वीडियो देख लिया तो दूसरी वीडियो देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए आप शुरू करता है वीडियो आज का टॉपिक और आप बने रहे मेरे वीडियो में। किस तरह से पता कर सकते हैं, आपको जाना है भीड़ आईक्यू में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको कई सारे के ऑप्शन मिलते होंगे, ठीक है, डेली आइडिया, रिसर्च, ऑप्टिमाइजेशन, तो इसमें जाना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है 4000 वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर, आपको इस तरह से टच कर देना, ठीक है, टच कर दिया। अभी आपको, आप देखिए आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कि आप किस तरह से कर सकते हो। ये देखिए अभी एसईओ स्कोर आपको कितना दिख रहा है, 9%, ठीक है। इसको कम से कम 40 से प्लस ले जाना होगा, 45, 46, 15, 50 भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से, ये स्कोर को आप इसी तरह लोड कर देते हो, वीडियो डाउनलोड किया, देखिए मैंने डाल दिया, आप भी जो है सो इस तरह से आप वीडियो लोड कर दोगे, आपका एसईओ स्कोर 8, 9, 10 रहा तो फिर आपका वीडियो कहाँ से सर्च में आएगा। तो चलिए मैं आज बता रहा हूँ एसईओ के बारे में, आप अच्छे से इस वीडियो को देखना और भले 2-4 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन आप अच्छे से वीडियो को देखना। मैं भी काफ़ी शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जानकारी अच्छा आपको दूंगा कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो फिर आप, तो चलिए आप देख सकते हैं 9 स्क्वायर एसईओ स्क्वायर 9 है, तो हम इसे डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, जो भी डालना था इस तरह से आप भी डाल सकते हो, कुछ इस तरह के डाल के आप इसमें पब्लिश पर क्लिक कर देना, ठीक है। आप यहाँ से ये हो चुका है, ये देखिए स्क्वायर कितना था, 9 था, अभी मेरा 14 हो गया है, ठीक है। आप इसी तरह से जो है सो मैंने बढ़ा सकते, ठीक है, और आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा जो है सो 14 हो चुका है, ठीक है। इसको और बढ़ाना है, आप कैसे बढ़ाएंगे आगे देखिए, यहाँ आगे आप यहाँ से मुझे चेक करना है, देखिए टाइटल भी टिक हो गया, सही है, डिस्क्रिप्शन भी सही है, ठीक है। अब देखिए टैग जो है सो भी देख रहे हैं, रेड दिखाई दे रहा होगा तो ये रेड है, इसको भी मुझे हरा करना है, इसे भी टिक लगाना, मतलब सही करना है। अगर आप वीडियो में एसईओ नहीं करोगे तो आपको ये सब पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेरा, देखिए सारे देखिए हैशटैग भी डाल दिया, ये भी टिक हो गया, ठीक है। देखिए तो आप इसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए देखिए टैग में किए, देखिए यहाँ कितना है, 1, 2, 3 टैग है, ठीक है। अभी 3 टैग है, यहाँ मुझे और टैग डालना है, ठीक है। तो अब अभी टैग कैसे डालोगे,
देखिए आगे यहाँ पर, उसके बाद आप नीचे जाइए, ये देखिए आपको यहाँ नीचे बहुत सारे से भीड़ आईक्यू आपको दे देंगे कि आप ये वाला टैग डालो, ये वाला डालोगे तो आपका रैंक होगा ज़्यादा, आप ये वाला कीवर्ड डालिए। देखिए आगे लिखा है यूट्यूब वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, 4K वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं, वॉच टाइम कैसे बढ़ाएं 2023 में, तो भीड़ आईक्यू आपको सब चीज़ बता रहा है। आपको जो कीवर्ड रैंक कर रहा है यूट्यूब पर, वो कीवर्ड आपको यहाँ ला के रख देते हैं कि आप ये चीज़ डालो, आपका सर्च में जाएगा, आपका वीडियो वायरल होगा। ठीक है, तो इसका नाम है SEO। आप इसको SEO करेंगे तभी ना आपको समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, आपको आप इसे SEO स्कोर को हम बढ़ाएंगे कैसे, तो हमको बढ़ाने के लिए देखिए सिंपली आपको कीवर्ड डालने की जरूरत है। देखिए प्लस प्लस प्लस, ठीक है हो गया, पब्लिश चेंज योर वीडियो, ये देखिए कर दिए। देखिए कितना हो गया, 18% हो गया। अब देखिए फिर आ गया, फिर आपको प्लस 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 में क्लिक करना, फिर आपको पब्लिश पर कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखिए कितना हो गया, 26 हो गया, आपके सामने हो रहा, देख रहे हो ना। इसी तरह से आप लोग भी करना, अगर एक गलती भी कर दिया तो फिर आपका वीडियो वायरल होने वाला नहीं है। फिर देखो क्या आ गया, हाउ टू गेट 4000 हॉर्स वॉच टाइम, देख रहे हो कि कीवर्ड को कैसे घुमा घुमा के दे रहे हैं, कीवर्ड को इसी तरह से घुमा फिरा के अगर डालोगे तभी आपका जो सर्च में आएगा। तो इसी तरह के भीड़ आईक्यू, जैसे इसी तरह का कीवर्ड जो है सो भीड़ आईक्यू ला के रख देता है कि आप इसी तरह से डालो, इसी तरह से डालो। आपको भीड़ आईक्यू एक तरह से भीड़ आईक्यू समझ लो एक मास्टर ही है, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तो चलो फिर हम प्लस प्लस प्लस, ठीक है हो गया, फिर पब्लिश पर देखिए कितना हो गया, 40 हो गया, कहाँ 9% था और कहाँ अब 40 हो गया। देखिए रेड था, अब इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, और देखिए और आ रहा है कीवर्ड, आप और भी डाल सकते हैं। प्लस पर किए प्लस पर, अब देखिए रेड हो जाएगा, आप छोड़ देना, ठीक है कर देना क्लिक। ठीक है, ये देखो हो गया, कितना हो गया, देखिए 46, समझ रहे हो, आपको बोल रहे थे ना कि 40 से प्लस ही रहना चाहिए, 45-46 हो चुका है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ देखिए दिख रहा है ना, परफेक्ट। आप देखिए आप चेक करिए कि आपका मेरा क्या कमी है, देख रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा गया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ आप जैसे ही लिंक डालोगे वैसे ही आपका ये जो एज हो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिंक डालोगे कैसे डालोगे, तो चलिए डाल देते हैं लिंक। चलिए अब इसे भी जो है सो ग्रीन करके दिखाते हैं कि आप किस तरह से इसे, ये देखिए लिंक में आए आप टच कर इस तरह से कर सकते हो, उसके बाद नीचे आ जाना इस तरह से। देखिए आप यहाँ पे जो लिंक आप कॉपी किए हो उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए हो गया। अब देखिए इसको सेव कर देना है। अब देखिए आप सामने कैसा इंटरफेस खुलकर आएगा, ये देखिए अभी ठीक हो गया, हरा हो गया। आप देखिए 46% हो गया, आप इसमें शेयर कर सकते हो फेसबुक में, ये नहीं करेगा फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। आपका देखिए पूरा परफेक्ट हो चुका है, आप ये आपका SEO हो गया कंप्लीट। आप अगर इस तरह से SEO करेंगे तो आपका वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और आपको इसी तरह से करना है। चलिए हो गया कंप्लीट, अब आ जाते हैं, देखिए सारा कंप्लीट हो चुका है, सारा कीवर्ड भी लग गया। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से भी पब्लिश कर सकते हो और YT स्टूडियो में भी जा करके पब्लिश कर सकते हो। अगर आप इस तरह से कर दिए तो आपका व्यू जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए।